आज हमारे साथ हैं देश के युवा उभरते बैडमिंटन सितारे गुरु साईदत्त। गुरु साईदत्त, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने ब्रॉन्ज जीता, कैसा लगता है देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके मेडल जीतना? बहुत अच्छा लग रहा है, जो 4 साल में एक बार होता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, बहुत बड़ा इवेंट है अपने लिए। बहुत अच्छा लग रहा है एक पोडियम पे खड़ा होने में और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। परुपल्ली कश्यप ने गोल्ड जीता, आप ब्रॉन्ज पे रह गए, उसकी को थोड़ा सा टीस लगती है कि हाँ मैं गोल्ड तक नहीं पहुंच पाया, या कश्यप के जीतने की खुशी और आपके ब्रॉन्ज जीतने का कुछ हद तक कम करती है? नहीं, मैं ऐसा कुछ, जब सेमीफाइनल हार गया था थोड़ा दुखी था, पर बाद में जब बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे और ब्रॉन्ज जीतने के लिए, तो उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा था। और कश्यप के लिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि वो मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है और मेरा सीनियर है, तो या हम दोनों फाइनल खेला होगा तो बहुत अच्छा रहता था, पर एनी वे आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम दैट ही वन द गोल्ड। तो आने वाले अब एशियाई गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उनकी किस तरह से तैयारी करेंगे? क्या इस बार ब्रॉन्ज को सिल्वर गोल्ड में तब्दील करेंगे आप? एक्चुअली मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हूँ नहीं, क्योंकि आई डेंट क्वालीफाई बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग्स, पर एशियन चैंपियनशिप रहूँगा बाद में, एशियन गेम्स रहेगा बाद में, तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग करूँगा और उधर भी टीम इवेंट होगा पहले, तो आई थिंक ट्रेनिंग अच्छा करके और अच्छा करने के लिए ट्राई करेंगे हम। एशियन गेम्स के बाद सबसे बड़ा जो निशाना होगा सभी प्लेयर्स का मेडल लाने का, वो ओलंपिक्स में, उसकी किस तरह से तैयारी करेंगे आप? सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है या ओलंपिक जो है, बहुत बड़ी इवेंट है, और उसके लिए पहले हम लोग क्वालिफिकेशन बहुत टफ होता है बैडमिंटन में, क्योंकि एक ही प्लेयर क्वालिफाई होता है कंट्री से, तो इंपॉर्टेंट है कि मेरा रैंकिंग मेंटेन करे टॉप 16 में, ताकि दो लोग क्वालिफाई होंगे टॉप 16 में, तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। शायद नेक्स्ट ईयर एंड के बाद ये ओलंपिक्स का प्लानिंग करते हैं, और टॉप 16 में आने का और मेंटेन करने का मेरा वही टारगेट रहेगा। थैंक यू। तो ये थे गुरु साईदत्त, जिन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में बताया। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राहुल कादियान, भास्कर न्यूज़।